आगे बढ़े हैं जयपुर से खबर, जहां पर सरकार और सफाई यूनियन के साथ समझौते पर मुहर लगी है। स्वायत्त शासन विभाग ने संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। आपको बता दें कि इसके तहत 13,184 सफाई कर्मचारियों की संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर स्वशासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार ने सफाई यूनियन के अध्यक्ष को संशोधित जो विज्ञप्ति है वो सौंपी है और सफाई यूनियन ने सरकार का आभार जताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बजट में जो घोषणा की गई थी 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर, उसमें पहले चरण में 13,000, आपको बता दें कि 184 सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर कल सीएम की तरफ से मंजूरी जो है वो दे दी गई थी, स्वीकृति दे दी गई थी और उसके बाद आज विज्ञप्ति भी जारी हो गई है। 13,184 सफाई कर्मचारियों की संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार ने ये विज्ञप्ति जो है संशोधित वो सफाई यूनियन के अध्यक्ष को सौंपी है और इसके साथ ही सफाई यूनियन ने सरकार का आभार भी जताया है। वाल्मीकि समाज को वरीयता मिलेगी, ये भी आश्वासन जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर। दिनेश, आखिरकार जो विज्ञप्ति है जिसका इंतजार हो रहा था वो जारी हो गई है और सौंप भी दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस समस्या को, जिस मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, हड़ताल की थी, आज आखिर वो मांग उनकी पूरी तरह मान ली गई है। हालांकि आश्वासन उनको 3 दिन पहले दे दिया गया था, लेकिन आज उनकी उस मांग पर पूरी तरह मोहर लग गई और जो विज्ञप्ति की वो मांग कर रहे थे वो विज्ञप्ति आज उनको मिल गई है। ये सफाई कर्मियों की, सफाई एसोसिएशन की बड़ी उपलब्धि आज इसे कह सकते हैं कि जो DLV निदेशक हृदेश कुमार है, उन्होंने आज ये विज्ञप्ति सफाई एसोसिएशन वाल्मीकि एवं संयुक्त श्रमिक संघ के जो अध्यक्ष है नंदकिशोर डंडोरिया, उनको ये विज्ञप्ति सौंपी है उन्होंने। तो ये हाल ही में ये उनकी बड़ी उपलब्धि जिसे कह सकते हैं कि जो उनकी जो मुख्य मांग थी कि भर्ती में उनको सफाई कर्मी जो कि संविदा पे लगे हुए हैं, पहले से जो काम कर रहे हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। तो ये मांग आखिर मंत्री महेश जोशी की अध्यक्षता में जो चर्चा हुई थी उसमें मान ली गई थी और आज पे पूरी तरह मोहर लग चुकी और आज जो है संशोधित जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो 13,184 सफाई कर्मचारी जो विज्ञप्ति जारी हुई है उस विज्ञप्ति, ये संशोधित विज्ञप्ति ही उनके लिए जारी हुई है। ऐसे में सफाई कर्मी की जो यूनियन है, सफाई कर्मचारी की एसोसिएशन है, उन्होंने मुख्यमंत्री का और मंत्री महेश जोशी का आभार जताया कि आखिर उनकी मांगे मान ली गई है। जी ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ।